फ्रेंड्स, मेरे यहाँ वाटर फिल्टर जो वेस्ट पड़ा था स्टेनलेस स्टील का, तो उसको मैं अब यूज़ करूँगी, क्योंकि जो किचन का वेस्ट निकलता है उसकी मैं लिक्विड खाद बना के उसको यूज़ करूँगी। ये मेरे पास छिलके हैं जो किचन से निकले हुए हैं, और ये मूंगफली, पीनट, और ये चाय की पत्ती, और ये गार्डन सॉयल, वुड ऐश, और ये अखरोट, बादाम, ये सभी तरह के छिलके हैं। दिवाली के बाद जो बच गया था मटेरियल वो मैं फेंकने की बजाय इसमें डालूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। गुड़, जेगर, जो कि फर्मेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कच्चा कोयला, और एक पीस मैं इसमें मस्टर्ड केक का डालूंगी, क्योंकि मस्टर्ड केक में बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, तो हमारे लिक्विड में स्मेल आएगी। पर ये जो ढक जाएगा इसका, जो ये ढक्कन है, ढकने के बाद होगा क्या कि हमें पता ही नहीं लगेगा इसकी स्मेल का, तो इसलिए हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, मैं अब आपको बर्तन बना के दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसको बनाऊँगी। ये मेरे पास काउ डंक है, बिल्कुल डीकम्पोस्ट, आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक कलर का हो चुका है, क्योंकि मैंने ये भिगोया हुआ था इस तरह से। काउडंक, अगर आप सूखा काउडंक लेते हैं तो उसको आप पाउडर की फॉर्म में बना के आप इसकी लेयर बना दें, जो हमारे किचन के वेस्ट है, और वो चाय की पत्ती पे एक एक लेयर बना देंगे तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। अब जहाँ पे पानी की, वाटर की रोड़ें लगती थी, चूने की रोड़ें, उसकी जगह मैंने थर्माकोल की शीट लगा दी। ऐसे निकाल के दिखाती हूँ आपको, ऐसे सुराख थे, नहीं तो ये पानी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा निकल जाएगा। पर मैंने थोड़ा सा छोटा सा होल रखा है, और इसमें मैं अखबार बिछा के और छिलके डालने शुरू कर दूंगी। उसके बाद मैं लेयर वाइज ये सारा सामान डालूंगी, वो मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। अखबार ले लें ताकि जो हमारा जो पानी छन जाएगा वो छन के जाए। आप अगर ले सकते हैं तो इसमें आप कॉटन का कपड़ा भी बिछा दें, तब भी बेस्ट है। और इसमें एक, आप जब भी आप किचन वेस्ट की आप खाद बनाते हैं, उसमें एक तो आप प्लास्टिक, जो पॉलाथीन के लिफाफे होते हैं, चॉकलेट वगैरह के लिफाफे होते हैं, वो आप मत डालें, क्योंकि वो डीकम्पोस्ट नहीं होते। दूसरा, इसमें कभी भी आप सॉल्ट, चिल्ली और कुक किया हुआ खाना ना डालें इसमें, तो जिससे हमारी जो केंचुए वगैरह बनते हैं वो मर जाएंगे, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं इसको बिल्कुल लेयर वाइज भर लूँगी। जैसे अब मैंने एक लेयर इसकी बना दी, एक लेयर मैं पीनट्स वगैरह की बना दूँगी, और इसी तरह से जो ये पुराना मेरे पास गुड़ पड़ा है, गुड़, बादाम, अखरोट, किशमिश, जो भी जितना भी सामान है वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी लेयर वाइज, और बिल्कुल अच्छी तरह से ढक दूँगी, दबा के डालूंगी इसमें। और साथ में मैं जो ये गुड़ है मेरे पास, पुराना गुड़ जो कि फर्मेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी अगर कोई भी चीज़ फर्मेंटेशन होती है तो उसका असर बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, जैसे हमने एंजाइम बनाए थे, तो उसके लिए मैंने ये पहले भिगो के रखा हुआ पानी, और इसमें आप छाछ भी डाल सकते हैं, और एग शेल के टुकड़े भी, जितना आपके पास वेस्ट है वो आप डाल दें, डाल के आप उसमें पानी डाल दें, और तब आपके पास देखेंगे आप कि हमारा जो लिक्विड है वो बहुत अच्छा बनेगा। मैंने एक दो और भी बर्तनों में बनाया हुआ है, तो उसमें इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा दिया है। आप गार्डनिंग करते हैं तो आप इस चीज़ की ये मत सोचना कि हाँ ये तो बहुत ही वेस्ट चीज़ें हैं और हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसकी स्मेल अच्छी नहीं होगी। पर जब ये कवर किया हुआ होगा और ऊपर से ऊपर आप हर रोज़ के ताज़े छिलके डालेंगे वेस्ट, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये वो कब डीकम्पोस्ट हो गए और कब हम उसने लिक्विड बना लिए ऐसे। और इसी तरह से आप एक लेयर वो डैश की, फ्रेंड्स मैं अब ये इसका जो पानी है, बारिश का पानी भी डल जाता है, वैसे मैं दूसरा सिंपल पानी भी डाल देती हूँ इसमें, तो और हर रोज़ के मैं छिलके जो मेरे किचन से निकलते हैं ताज़े ताज़े छिलके, वो मैं ऊपर के ऊपर डालती रहती हूँ। आप देखेंगे काउ डंक की वजह से, और दूसरा मस्टर्ड केक डाला हुआ है उसकी वजह से ये बिल्कुल ब्लैक कलर का हो चुका है पानी, बिल्कुल ब्लैक कलर।
कलर का हो चुका है। इसको मैं तकरीबन अपने मेरे प्लांट्स काफ़ी प्लांट्स हैं तो मैं इस हिसाब से जैसे 10 लीटर में 1 लीटर पानी डाल के इसमें यूज़ करके और प्लांट्स को दे दूंगी मिक्स करके, और इसमें मैं और पानी डाल दूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कैसे अपने वेस्ट छिलके डाले हैं, इस तरह चाय की पत्ती और वेस्ट छिलके, प्याज के छिलके। तो ये आप समझ लो कि ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर बना है ये बहुत ही एक अमृत की तरह बना है हमारे प्लांट्स के लिए। तो आप जो भी हमारे छोटे प्लांटर हैं फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ ये जो पानी है वो इस तरह से बूंद बूंद करके निकलता है और सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें आ जाते हैं। मेरे कई व्यूअर्स पूछते हैं कि हम जब हमारी अगर प्लास्टिक की टूटी हुई बाल्टी है तो उसका हम कैसे यूटिलाइज करें खाद बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, अगर आपकी यहाँ टोटी नहीं लगी हुई तो कोई बात नहीं, उसके नीचे आप उस सरफेस का बड़े सरफेस का कोई जैसे टब वगैरह होता है वो रख दें तो आप के यहाँ थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद रिसके वो पानी निकल जाएगा, उस पानी को आप यूज कर लें और अगले दिन फिर आपके लिए तैयार कर देगा वो पानी। तो इस तरह से आप अगर आपकी टूटी हुई बाल्टी है, कप, मग जो भी है, उसको आप ऐसे लिक्विड फर्टिलाइजर ऐसे यूज करें और आप देखेंगे कि इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ये असर होगा कि हमारे यहाँ फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। और जो ये हमारे छोटे पॉट हैं, ये जेड प्लांट है जैसे, इनको भी आप यही फर्टिलाइजर दें इस तरह से, बिल्कुल इनमें खाद जाने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी भरे हुए हैं। भरने का मतलब ये है कि इनको सॉयल भी चाहिए, अगर हम थोड़ी सी सॉयल रख देते हैं तो ये प्लांट सूख जाते हैं, इनको सॉयल पूरी चाहिए। और हम अगर फर्टिलाइजर देते हैं तो सॉलिड फर्टिलाइजर की बजाय आप लिक्विड फर्टिलाइजर दें और इसी पानी का आप स्प्रे कर दें इनको, इसको छानने की और करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप देखिए बिल्कुल साफ साफ पानी है और स्प्रे सभी प्लांट्स पे स्प्रे कर दें तो हमारे पत्तों की शाइनिंग भी बनेगी और हमारे प्लांट्स को भी ग्रोथ मिलेगी। अब जैसे मेरे यहाँ पेटूनिया लगा हुआ है, बिल्कुल ये छोटे पोट प्लांटर में लगा हुआ है, मैंने एक प्लांटर बनाया है, तो इसमें आप अगर लिक्विड दूसरा ठोस फर्टिलाइजर दोगे तो इसके लिए कोई इसके पास प्लेस नहीं है, पर लिक्विड आप पानी तो देना ही होता है तो आप ऐसा पानी दे, कभी इसका पानी दे दिया, कभी काओ डंग का पानी, कभी मस्टर्ड पे का पानी, तो ताकि जो हमारे प्लांट्स हैं उनको पोषकता मिलती रहे, उनका पोषण पूरा होता रहे और वो अपनी टाइम से के बाद भी वो अपनी फ्रूट फ्लावरिंग करते रहें। इसी तरह फ्रूट के प्लांट्स हैं, आप सब में आप देखेंगे कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है अगर आप ऐसा पानी देते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में आके बताएं और लाइक व शेयर भी ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बने और मैं किसी और टॉपिक के साथ फिर आऊँगी, उसके लिए थैंक्स।